ओके खुशी सागर। यस खुशी। यस ओके स्टोरी का मोरल, मैं बोल स्टोरी का मोरल क्या है खुशी? मतलब इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? अच्छा इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला, हम क्या सीखेंगे? कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ओके वेरी गुड। ओके ओके खुशी वेरी गुड, वेरी गुड खुशी। ओके नेक्स्ट कौन सुनाएंगे? सिर्फ हाथ उठाओ, सिर्फ हाथ उठाओ। मैं बोलूंगी अब ऑडियो ऑफ कर दो, ऑडियो ऑफ कर दो, सिर्फ हाथ उठाओ, जो हाथ उठाएंगे मैं उनको बोलूँगा। ओके ओके सुचिस्मिता सुनाओ, सुचिस्मिता। यस सुप्रभात सर, मेरा नाम सुचिस्मिता पंडा है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। एक टोपी वाला टोपी बेचने के लिए दूर के शहर में जा रहा था। जाते जाते दोपहर हो गई। उसने बड़े तो पेड़ के पास खाना खाया और उसने सोचा क्यों ना थोड़ी आराम किया जाए। और वो आराम करते करते सो गया। और वो नहीं जानता था कि पेड़ के ऊपर बंदर थे। बंदरों ने रंगे रंगे टोपियां देखी और बंदरों ने सोचा क्यों ना थोड़ी खेला जाए। बंदर सारे बंदर नीचे उतरकर टोपियों को खेलने लगे। जैसे ही टोपी वाला का नींद खुला, उसने देखा कि उसके टोकरी में सारे टोकी गायब। जैसे ही वो ऊपर देखा तो फिर बंदरों ने उसका टोपी पहन रखे थे। टोपी वाला उसे भगाने की कोशिश की, पर बंदर उसे चिढ़ाने लगे। उसको एक तरीका सूझा। उसने हाथ हिलाया तो फिर बंदरों ने भी हाथ हिलाया। उसने नाचा तो फिर बंदरों ने भी नाचा। और उसने टोपी नीचे फेंक दी तो फिर बंदरों ने भी नीचे फेंक दी। और टोपी वाला टोपी अपने टोकरी में भर कर गांव की ओर चल पड़ा। हो गया सर। सुचिस्मिता, इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला? उचित समय में दिमाग घटाना चाहिए। यस ओके वेरी गुड सुचिस्मिता। ठीक है सुचिस्मिता वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सुनाएंगे? आराध्या। यस आराध्या। यस आराध्या। सभी बच्चे सुनाएंगे, मैं एक एक करके पूछूंगा, अपने हाथ उठाएंगे फिर मैं पूछूंगा। ठीक है अभी आराध्या सुनाओ। यस आराध्या। एक सोने का अंडा। एक किसान था, वह बहुत गरीब था। उसको बहुत जोर की भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसको एक मुर्गी के चिल्लाने की आवाज आई तो वो मुर्गी के पास गया। जैसे ही वो उठाने के लिए जाता, मुर्गी फट से उड़ जाती। ऐसे ही होने के बाद उसने मुर्गी को पकड़ लिया। जैसे ही वो मारने वाला होता है, मुर्गी बोलती है, मैं तुम्हें हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी। अगर मैंने कल सुबह तुम्हें एक सोने का अंडा नहीं दिया तो तुम मुझे मार सकते हो। तो रात होने के बाद किसान उठकर मुर्गी को एक पिंजरे में बंद कर देता है। वह सोने का अंडा
देखने को नहीं जाता है, तो उधर एक सोने का अंडा होता है, वो गांव में जाता है और सोने का अंडा बेच देता है। हर रोज ऐसा ही चलता है। एक दिन वह बहुत अमीर हो जाता है। ओके okay. इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला? हाँ मिनट सर, और भी है सर। ठीक है बोलो। यस राजा। एक दिन वो बहुत अमीर हो जाता है। बाद में वो सोचता है कि अगर मैं मुर्गी को मार दूंगा तो मुझे बहुत सारे सोने के अंडे आ जाएंगे। वह मुर्गी को मार देता है, लेकिन उसे एक भी सोने का अंडा नहीं मिलता। हो गया सर। ओके आराध्या, इससे हमको क्या सीखने को मिला? यह सारा ध्यान इस कहानी से हम लालच बुरी भला होती है सर। अच्छा लालच बुरी होती है। यस यस वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके नेक्स्ट कौन थैंक यू सर। सुनाएंगे? हाँ वेरी गुड आराध्या। नेक्स्ट कौन सुनाएंगे? एससी का। यस एससी का। ओके एससी का के बाद मयंक सुनाएगा। यस एससी का। यस सर। यस सुप्रभात, मेरा नाम देशिका है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं कबूतर और सितारे का कहानी सुनाने वाली हूँ। पुराने समय की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर खूब सारे कबूतर रहते थे। वह जंगल में घूम कर खाने की तलाश जाते थे और अपने पेट भरते थे। उस कबूतर के झुंड में एक बूढ़े कबूतर भी रहता था। वो बहुत समझदार था और चालाक भी, इसलिए सब कबूतर उसकी बात मानते थे। एक दिन एक शिकारी उधर आया और उस पेड़ के पास देखा कि उधर वो बहुत सारे कबूतर थे। ये कबूतर को देखकर उसकी आंखों में चमक आई और उधर वो कुछ मन में सोच कर चला गया। बाद में अगले दिन वह गर्मी के दिन आया। उसने देखा कि उस उसने देखा कि कबूतर गर्मी से आराम कर रहे थे। आराम कर रहे थे। बाद में वो जाल बिछाकर उसके अंदर कुछ बीज बिछा दिए। बाद में वो दूसरे पेड़ के पीछे छुप गया। वह एक कबूतर ने खाने के लिए कुछ रखा हुआ था, तो एक कबूतर जाकर उधर सब कबूतर को बुलाया और कहा, देखो इधर कितने सारे बीज हुए हैं, खाने वाले थे कि बूढ़े कबूतर बोला, मत जाओ उधर। वह उसके बात नहीं माने, चले चुके थे और बीज चुगने लगे। बाद में वह बूढ़े कबूतर ने दूसरे के पेड़ के पीछे शिकारी को छिपा हुआ देखकर वो बोला, चलो अब ऊपर चलते हैं। पर वह कबूतर उड़ने की कोशिश करने पर वो नहीं उड़ पाए, इसलिए वो बूढ़े कबूतर को मदद मांगने लगे। बूढ़े कबूतर ने सोचा और कहा, अरे चलो हम चूहे के पास चलते हैं। पर एक कबूतर ने बोला, हम कैसे जा सकते हैं? बूढ़े कबूतर ने बोला, हम एक साथ उड़ेंगे तो हम चले जाएंगे। पर एक कबूतर ने बोला, हम
वेरी गुड इसका। ये एक स्टोरी है, ये आपका क्लास 5th इंग्लिश में भी है। आप जब क्लास 5 को जाओगे, क्लास 5th को, उसमें आप ये स्टोरी पढ़ेंगे। फ्लाइंग टुगेदर के नाम पे एक स्टोरी है, इस स्टोरी है आप पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड इसका। सर, ओके, नेक्स्ट कौन थैंक यू सुनाएंगे? सर। नेक्स्ट हाथ उठाइए। नहीं, सर ऑडियो ऑडियो ऑफ करो, सिर्फ हाथ मैं उठाओ। बोलूंगी नहीं, ऑडियो ऑफ करो, सिर्फ हाथ उठाओ, मैं नाम लूंगा। ओके, हिरणमयी। यस हिरणमयी, सर। यस। नमस्कार, मैं हिरणमयी आप हूँ। मुझे मैं बोले दो थे सर सालों बोलने के लिए। हाँ यस मयंक बोलूंगा, मैं भूल गया। ओके, उसके बाद आप बोल दोगे। ओके, हिरणमय के बाद। ओके, हिरणमय बोलो। नमस्कार, मैं हिरणमयी हूँ। मैं 2 कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं सबके लिए एक कहानी प्रस्तुत की हूँ और उस कहानी का नाम है दोस्त की मदद। एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी था और एक कछुआ। लोमड़ी अपनी रास्ता में चल रहा था और कछुआ आकर बोला कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा। लोमड़ी ने हाँ कहा दिया और फिर वो दोनों बात करके बैठ गए। उसके थोड़ी देर के बाद तेंदुआ आया। लोमड़ी तो तेंदुआ को देखकर जल्दी से भाग गया, पर कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, वो तो भाग नहीं सका। वो धीरे धीरे जा रहा था तो फिर तेंदुआ उसे पकड़ लिया और एक पेड़ के पास चला गया। और लोमड़ी पेड़ के पास देखकर ये सब चीजें देख रहा था और कुछ देर के बाद ही उसका दिमाग में एक तरकीब सूझी और वो तेंदुआ को जाकर कहा, तेंदुआ जी, तेंदुआ जी, तेंदुआ जी, तेंदुआ जी, इसका खोल नरम नहीं है, आप इसे थोड़ी सी पानी में डाल दो। तेंदुआ ने कुछ बिना बताए पानी में डाल दिया और फिर उसके बाद कछुआ पानी में चला गया। किरण में हो गया आपका और स्टोरी? उसके बाद वो तो नहीं आ रहा, वो तो पानी में चला गया और फिर तेंदुआ भी चला गया। धन्यवाद। हाँ यस बोलो। इसका मतलब है हमें सबका मदद करनी चाहिए। ओके, वेरी गुड हिरण मई, सबका मदद करना चाहिए। ओके ओके मयंक। यस मयंक। यस सर। मयंक के बाद जो सुनाएंगे रेडी हो जाइए, हाथ उठाएंगे। बोल नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। मयंक सुनाने के बाद जो हाथ उठाएंगे मैं उनको पूछूंगा। सभी बच्चे सुनाएंगे एक एक करके। ऑडियो ऑफ करके, सकता वीडियो ऑन करके हाथ उठाओ, और जो एक बोल रहा है तो उसका स्टोरी को सुनो। अगर कोई बोल रहा है तो
उसके स्टोरी को सुनो। ओके मयंक बोलो। ओके मयंक के बाद संबित बोलेगा, ठीक है। ओके मयंक, यस। सुप्रभात सर, मेरा नाम मैन साहू है, मैं थर्ड केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है खरगोश और कछुए की दौड़। एक बार जंगल में एक खरगोश रहता था, उसे अपने ऊपर घमंड था कि वह काफी तेज भाग सकता है। वह कछुए का हमेशा मजाक बनाता था कि वह कितना धीरे चलता है। इस बात से परेशान होकर कछुए ने खरगोश से दौड़ लगाने की शर्त रखी। सभी जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठे हो गए। दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तेजी से भागा, पर वो थोड़ी देर जाकर रुक गया। उसने सोचा कि अभी कछुए को आने में काफी समय लगेगा। फिर वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। खरगोश को पेड़ के नीचे नींद आ गई। कछुए धीरे धीरे लगातार चलता रहा और वो जीत की रेखा तक पहुंच गया। कछुए की जीत की खुशी में सभी जानवर खुश होकर तालियां बजाने लगे। सर, मेरी कहानी इधर खत्म होती है। इस ओके कहानी का मोरल है, खुद की ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे किसी पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद सर। ओके वेरी गुड मयंक। खुद की ताकत पर गर्व नहीं करना चाहिए और दूसरे पर क्या करना चाहिए मयंक? दूसरे पर मदद मजाक करना नहीं चाहिए, उड़ाना चाहिए। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यस वेरी गुड। ओके वेरी गुड थैंक मयंक। यू सर। ओके ओके नेक्स्ट संबित सुनाएंगे, संबित मिसल। संबित के यस बाद सर। कपिल सुनाएंगे, ठीक है। संबित सुनाओ। सुप्रभात सर, मेरा नाम संबित मिसाल है और मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। एक लकड़हारा पेड़ में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसका कुल्हाड़ी पानी में गिर गया। फिर वो नीचे आकर बहुत परेशान होकर रोया। फिर बहुत रोया और वरुण देवता ने डुबकी लगाकर आए और बोले कि हे लकड़हारा, क्या हे मानव, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? फिर ईमानदार लकड़हारा ने बोला, क्या बोलू वरुण देवता जी, मेरा कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई। मैं अपनी परिवार का पेट पालता हूँ। फिर वरुण देवता ने डुबकी लगाकर सोने का कुल्हाड़ी लेकर आए। फिर लकड़हारा ने देखकर बोला, नहीं नहीं महाराज, ये तो सोने के कुल्हाड़ी है, ये मेरा नहीं है। फिर वरुण देवता ने फिर से डुबकी लगाकर चांदी का कुल्हाड़ी लेकर आए और बोले कि ये है ना तुम्हारा कुल्हाड़ी। फिर लकड़हारा ने देखकर बोला, नहीं नहीं वरुण देवता जी, ये मेरा नहीं, मेरा तो लोहे का था, मेरा तो लोहे का था, आप मेरे लिए परेशान मत हो। फिर से वरुण देवता जी ने फिर से डुबकी लगाकर वही लोहे का कुल्हाड़ी लेकर आए। फिर ईमानदार लकड़हारा दे उसे वो लोहे का कुल्हाड़ी देखकर बहुत मुस्कुराया। फिर लकड़हारा ने बोला, हाँ हाँ महाराज जी, यही मेरा कुल्हाड़ी है। फिर वरुण देवता जी ने उसे कुल्हाड़ी दे दिया और वो घर जाने लगा। फिर वरुण देवता ने उसे बुलाया, हे मानव, तुम्हारा ईमानदारी को सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम चांदी और सोने का कुल्हाड़ी लेकर जाओ। फिर ईमानदारी लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने गांव चला गया। फिर गांव जाने के बाद
उसके दोस्तों से बोला, मैं जंगल में जाकर ये स्टोरी बोला। फिर उसके दोस्त से एक लालची था, वो सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर वही ईमानदार लकड़हारा जहाँ वहां पर लकड़ काट रहा था, वो वहां जाकर लकड़ काट रहा था। फिर अचानक से वो जानबूझकर अपना कुल्हाड़ी पानी में गिर फेंक दिया। फिर वो नीचे आकर बहुत रोया, हे मेरा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया। फिर वरुण देवता जी ने सोने का कुल्हाड़ी लेकर आए और वो लकड़हारा बहुत खुश हो गया और बोला कि यही मेरा कुल्हाड़ी है वरुण देवता जी, मुझे दे दो जल्दी। फिर वो लेने के लिए आगे चला। वरुण देवता ने बीच के पार चले गए और बोले कि वही रुक जाओ, तुम तो बड़े लालची हो, तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ खाली हाथ, बोला। फिर वो रो रो कर गाँव में चला गया। इस कहानी से कभी लालची नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। अज्ञा सर, ओके, वेरी गुड संबित। नेक्स्ट कौन थैंक यू सुनाएंगे? सर। हाँ, कपिल प्रधान सर। कपिल सुनाओ, फिर उसके बाद रोहित कृष्ण मोहन सुनाएंगे। यस कपिल। मैं कपिल प्रधान, मैं आज कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ता के बहुत जोर से भूख लगी थी, तभी उसे एक रोटी मिली। वहां उसे रोटी के पूरी आनंद लेना चाहता था, इसलिए वहां उसे शांति में बैठकर खाना के अच्छा से रोटी के अपने मुंह में डुबाकर नदी के और चल दिया। नदी पूरा पर नदी पर एक छोटा पुल था। जब कुत्ता नीच पर नदी पर कर रहा था, अभी उसे पानी ने अपने परछाई दिखाई दी। उसने अपने परछाई दूसरी कुत्ता समझ और उसकी रोटी छीन ली। रोटी छीनने के लिए उसे भूखते हुए नीच में नदी में नदी लगी में तिलांगे लगे, तो में चलेंगे दो चना लगे दो मुंह खेलते हैं उसके मुंह के रोटी नीट के जाल में दुबाकर भाग गया और लालची कुत्ता भूखे ही रह गया। इसलिए कहा गया ही कि हम लालची नहीं करना चाहिए, ज्यादा लालची नहीं करना चाहिए। हो गया सर। ओके, वेरी गुड कपिल। ज्यादा लालची नहीं करना चाहिए। ओके okay. ज्यादा नहीं करना चाहिए। यस कपिल, हमको ज्यादा नहीं करना चाहिए लालची। ओके okay, लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सुनाएंगे? रोहित सुनाओगे? रोहित, यस सर, मैं बता ओके रोहित सुनाओ, उसके बाद प्रवीर सुनाएंगे। ओके रोहित। यस एक जंगल था। उस जंगल के पास में ही चार पहाड़ थे। उस पहाड़ के बाहर बहुत सारा शहर था। उस जंगल में एक कछुआ रहता था। वो कब से वहां बंद पड़ता था। वो कितनी बार उसे पार करने
पार करा, पर वो पार नहीं कर पाया। उसके बाद दो कौए उड़ते उड़ते उसके घर के पास आए और वो कछुआ बोला, क्यों 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 रे, तुम दोनों कहीं दूर से उड़ते उड़ते आ रहे हो क्या? फिर कौए दोनों बोले, हाँ भाई, उड़ते उड़ते आ रहे हैं, अभी अमेरिका से आए हैं। उसके बाद कछुआ कछुआ और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसके बाद वो उसको नींद नहीं आई, वो मैं कब जाऊंगा उस शहर के बाहर, उसने ऐसा सोचा। सोचते सोचते उसे एक तरकीब आई। उसने सोचा, कौवे दोनों मुझे मैं डंडी पकड़ूंगा और वो दोनों मुझे उड़ा कर लेंगे। उसके बाद वो सुबह सुबह जाने के लिए रवाना हो गया। उसके बाद सुबह सुबह जब उठा, तब कौवे को बोला, कछुआ, अरे तुम दोनों जाकर एक लकड़ी ले आ सकते हो क्या? फिर कौवे दोनों बोले, हाँ, हम ला सकते हैं। उसके बाद वो दोनों जाकर लकड़ी लाए। उसके बाद कछुए ने आगे का प्लान बताया, तुम दोनों डंडी पकड़ना, उसके बाद मैं भी डंडी पकड़ूंगा, उसके बाद मैं उड़ूंगा। उसके बाद वो दोनों उड़े, तीनों तीनों के तीनों उड़ पड़े। उसके बाद कछुआ बहुत खुश था बाहर की दुनिया देखकर। एक और कौवा आकर बोला, क्या 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 तरकीब है, वाह वाह वाह, क्या तरकीब है। उसके बाद वो कौवे दोनों चुपचाप बैठे थे। कछुए की जान उनको परवाह थी, इसीलिए चुपचाप बैठे थे, इसीलिए वो दोनों मुंह भी नहीं खोले। पर कछुआ अपनी तारीफ के लिए तरस रहा था। उसके बाद वो जैसे ही मुंह खोला, नीचे धम से आ गिरा, पर उसकी जो खोल थी वो उससे वो बच गया। उसके बाद कौवे नीचे आकर खूब डांटे उसे। हो गया सर? ओके, इस कहानी से क्या सीखने को मिला? और मैं बोलूं, बोले वक्त में मुंह नहीं खोलना चाहिए सर। यस रोहित, मैं बोलूं कि सर मुंह नहीं खोलना चाहिए सर, बुरे वक्त में मुंह नहीं खोलना चाहिए सर। अच्छा, ठीक है रोहित, वेरी गुड। ओके कृष्णा मोहन, मैं बोलूंगी सर। यस कृष्णा। हाँ कृष्णा मोहन, बोलोगे, सुनाओगे? हाँ सर। ओके सुनाओ। एक चीज मैं बोलूंगी सर। हाँ तनुश्री, उसके बाद। एक गांव में एक चींटी था, वो जो पेड़ पर चढ़ रहा था, वो चढ़ते चढ़ते तालाब में गिर गया। एक कबूतर था, वो देखा वो चींटी का प्राण कितना, उसका प्राण भी कितना लगा सकता। एक वो एक पत्ता तोड़ के चींटी के पास छोड़ा, और चींटी ने वो पत्तों पर छटपट होकर चढ़ गया जे, और उसके बाद वो चींटी ने प्रणाम कर लिया, और प्रणाम कर कबूतर को प्रणाम करा जे, और ऐसे हो गए। एक महीने के बाद एक पहले आ रहा था, एक पहले आ रहा था एक महीने बाद, उसका काम होता है कबूतर का पकड़ना। तो जे उसका दाना जाता जमीन में फेंक दिया, उसका जाल जमीन में फेंक गया। वो चीटिया देखा जे उस कबूतर उसका जान बचाया था, कबूतर वो देखा जे उसका जाल है, वो जाल के पास आ रहे थे,
और देखा है वही कबूतर उसका जान बचा था, उसने क्या क्या पहले के अभ्यास जोर बात के अंगूठी खून काट लिया और जोर से काट लिया उसका अंगूठे, जोर से चिल्ला वो कबूतर जय देखा कान से इतनी बड़ी इतना आवाज आ रही, देखा जय उसका प्लान सब समझ आ गया कबूतर को, वो जय नीचे आ रहा है के ऊपर चला गया उसके उसका समझ के कबूतर का जान बच गया। जो भले करेगा उसका भला। तो ओके, इस कहानी से हम बस हमको क्या सीखा मिला कृष्ण मोहन? जो भला करेगा उसके हाँ, लिए भला होगा सब। ओके, वेरी गुड कृष्णा। नेक्स्ट कौन सुनाएंगे?